नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में ट्रेनों के बंद होने को लेकर, क्योंकि मेगा रूट में जो है कई ऐसी रूटें हैं जिसमें कि ट्रेनों के परिचालन को बंद करने की बात कही गई है। हम पूरे इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। इन दिनों अगर आप रेलवे से सफ़र करने वाले हैं तो आपको अपनी ट्रेनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर 3 जुलाई को मेगा रेल ब्लॉक रहेगा। बता दें कि इस दिन 17 ट्रेनें हैं जिसको कि रद्द किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों को रूट जो है वो भी बदलने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी CPRO एकलव चक्रवर्ती ने बताया कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर अकबरनगर के बीच में ब्रिज नंबर 164 में गार्डन बदलने का काम किया जाएगा। इस कारण से इस रूट पर ट्रेनें बाधित रहेगी। 3 जुलाई को इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 3 जुलाई को होने वाले मेगा ब्लॉक के कारण जुलाई को, यानी कि 3 जुलाई को जो है जयनगर से खुलने वाली जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस और 3 जुलाई को ही भागलपुर से रवाना होने वाली जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 3 जुलाई को भागलपुर से रवाना होने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 3 जुलाई को भागलपुर से मुजफ्फरपुर भागलपुर जन सेवा एक्सप्रेस दोनों तरफ से रद्द कर दी गई है। 03406 और 03405 जमालपुर भागलपुर जमालपुर पैसेंजर, इसे भी रद्द किया गया है। जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर, जमालपुर साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर, जमालपुर भागलपुर जमालपुर पैसेंजर, जमालपुर क्यूल जमालपुर पैसेंजर, रामपुर हाट जमालपुर पैसेंजर, 03037 एवं 03038 साहिबगंज भागलपुर साहिबगंज पैसेंजर और 4 जुलाई को चलने वाले जमालपुर पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक के कारण इन ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसमें कामाख्या से खुलने वाली भागलपुर से होकर दिल्ली तक जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल वाया कटिहार बरौनी पटना होकर जाएगी, इसका रूट बदल गया है। भागलपुर से खुलने वाली LDT एक्सप्रेस अप विक्रमशिला एक्सप्रेस और भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस वाया बांका जसीडीह क्यूल होकर चलेगी। इसके अलावा गोड्डा रांची एक्सप्रेस 3 जुलाई को वाया दुमका जसीडीह और गया हावड़ा एक्सप्रेस वाया क्यूल झाझा आसनसोल से होकर चलेगी। इन ट्रेनों को रोका जाएगा मेगा ब्लॉक के कारण। 3 जुलाई को मालदा टाउन क्यूल मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस साहिबगंज जमालपुर साहिबगंज मेमू ट्रेन भागलपुर तक के लिए चलेगी। 05407 रामपुर हाट गया पैसेंजर साहिबगंज में टर्मिनेट होकर चलेगी। जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस 3 जुलाई को 1 घंटे लेट से चलेगी, जबकि गांधीधाम भागलपुर एक्सप्रेस और हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस को नियंत्रित करके चलाया जाएगा, यानी कि इन्हें जो है रोक रोक कर चलाया जाएगा। ऐसे में अगर आप इन दिनों रेलवे से यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रेनों को चेक करने की ज़रूरत है, उन्हें का स्टेटस जो है लगातार देखने की ज़रूरत है। इससे पहले अग्निपथ को लेकर भी हुए आंदोलन में कई दिन तक ट्रेनों की सेवा बाधित कर दी गई थी, जिसे अब धीरे धीरे पटरी पर लाया गया। ऐसे में अब रेलवे में चल रहे कार्य के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है और कईयों के रूट जो है वो बदले गए हैं। तो एक तरह से कह लें कि भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई तरह के कार्य करते रहा है। इसी कड़ी में हमने देखा कि अब जो है पटरी पे काम हो रहा है, जिसके चलते जो है 3 जुलाई को 17 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि रद्द किया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले हैं और कईयों को जो है रोक रोक कर चलाने की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।